हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, उसमें है पाठ 13 भारत की वीरांगना झलकारी। इस पाठ में किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर भारत की एक वीरांगना यानी कि जो सबसे बहादुर वीर थी इसकी बात की गई है। वीरांगना का अर्थ होगा जो वीर और वीरांगना जो सबसे बहादुर थी वो कौन थी, तो वो थी झलकारी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की साहसी योद्धा का चरित्र चित्रण दिया गया है। वे झलकारी कौन थी, तो वो एक रानी लक्ष्मीबाई, हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी साहसी यानी कि सबसे बहादुर योद्धा थी वो कौन थी, तो वो थी झलकारी। और उसका क्या किया गया है यहाँ पर, तो उसका जो चरित्र था उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत चित्रण किया गया है। जिसने अपनी जान पर खेलकर रानी की जान बचाई, उसने क्या किया था, तो झलकारी जो थी वो अपनी जान की बाजी लगाकर यानी अपनी जान को खतरे में डालकर रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी जान बचाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज की एक वीर सैनिका का नाम है, झलकारी। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई हमारी थी उनकी क्या थी, वो एक महिला फौज थी और उसमें क्या एक सैनिक क्या थी, तो एक जो ये सैनिक है वो उसका नाम था झलकारी। झांसी के वीर किसान सदोवा सिंह इनके पिता थे। उनके पिता कौन थे, तो झलकारी के जो पिता थे वो झांसी के एक वीर किसान, वो कौन थे, तो एक वीर थे और किसान थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सदोवा सिंह और जमुना देवी इनकी माता। और जमुना देवी कौन थी, तो जमुना देवी जो थी वो झलकारी की माता थी। अल्प आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। झलकारी की माता का क्या हो गया था, तो जब वो छोटी उम्र की थी, अल्प यानी कि कम उम्र की थी, तभी उनकी जो माता थी जमुना बाई उनका देहांत यानी कि उनका मृत्यु हो गई थी। तब पिता ने पुत्र की तरह झलकारी का पालन पोषण किया। तो तब उसके पिता क्या करते हैं, तो जो उनके पिता थे झलकारी के जो पिता थे वो झलकारी का पालन पोषण एक पुत्र के जैसे यानी कि एक बेटा जैसे पालता है, ऐसे ही उन्होंने अपनी बेटी को पालन पोषण किया। घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा झलकारी को बचपन से ही प्राप्त थी। घुड़सवारी और क्या था, तो उनको बचपन से कौन सी शिक्षा दी गई थी, तो एक घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की जो शिक्षा थी उनको वो बचपन में ही प्राप्त की थी उन्होंने। इनकी गिनती आज भी वीरांगना के गुणों से भरपूर साहसी महिला के रूप में होती है। उनकी गिनती कहाँ पर होती है, तो ये जो झलकारी के जो सैनिक थी उनकी गिनती आज भी एक वीरांगना के गुणों से भरपूर यानी कि पूरा साहसी महिला के रूप में किया जाता है। जिनकी वीरता व साहस के अनेक किस्से प्रसिद्ध है, इनकी सा क्या है, तो इनकी जो वीरता थी और जो उनमें जो साहस था उनके अनेक जो किस्से यानी कि उनकी जो कहानियां हैं वो आज भी मशहूर है। जिनसे झलकारी बहुत लोकप्रिय हुई, जिनसे क्या हुए, तो उनके जो प्रसिद्ध किस्से और कहानियां थी उनसे वो बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई। एक बार यह पशुओं को चराने जंगल में गई। एक बार क्या होता है, तो एक बार ये जो झलकारी है वो अपने जो पशु है उसको चराने के लिए जंगल में जाती है। तब झाड़ी से निकलकर अचानक एक चीते ने इन पर आक्रमण कर दिया। तो अचानक वहाँ पर क्या होता है, जब वो पशुओं को जंगल में चराने ले जाती है तब वहाँ झाड़ियों से अचानक एक चीता आता है और वो उन पर हमला कर देता है। उस समय उनके पास एक लाठी थी। उस समय उनके पास क्या था, तो जब चीते ने उन पर आक्रमण का अर्थ यहाँ पर होगा कि हमला जब किया, तब उनके पास क्या था, तो उनके पास एक सिर्फ लाठी थी। बिना विचलित हुए वो क्या होती है, वो वहाँ पर विचलित हुए यानी कि वो बहुत ही साहस से अपनी भरपूर शक्ति से लाठी चीते की नाक पर दे मारी। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल निडर होकर और एकदम साहस से होकर वो अपने पास जो लाठी थी वो अपनी भरपूर शक्ति से वो चीते की नाक पर वो लाठी मार देती है। जबरदस्त प्रहार से घायल होकर चीता जमीन पर गिर पड़ा। बस फिर क्या था, क्या हुआ, तो उनके जो जबरदस्त उन्होंने बहुत ही तेजी से वो प्रहार किया, तो उनके जो जबरदस्त प्रहार था उससे घायल होकर चीता जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बस क्या था,
झलकारी तब तक लाठी बरसाती रही जब तक वह मर नहीं गया। झलकारी ने किया क्या, तो वो चित्ते पर तब तक लाठियाँ मारती रहती है जब तक वो चित्ता वहाँ पर मर नहीं जाता। इनकी वीरता की ऐसी ही एक और घटना बताते हैं। इनकी वीरता की क्या है, तो वो जो कैसी वीर थी उनकी एक ऐसी घटना और यहाँ पर बताई गई है। बात उस समय की है जब अंग्रेज सैनिकों ने झांसी के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था। बात किस समय की है, तो बात इस समय की है जब अंग्रेज सैनिकों यानी कि जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने झांसी का जो दुर्ग था यानी कि झांसी का जो महल था उसके चारों ओर से घेर लिया था। क्या किया था, तो बात उस समय की है जब झांसी अंग्रेज सैनिकों ने क्या किया था, तो झांसी का जो किला है जो महल है उसको चारों ओर से उन्होंने घेर लिया था। किले की दीवार टूट जाने पर सैनिक अंग्रेजी सेना का किले में घुसना आसान हो गया था। क्या किया था, तो वो जो अंग्रेज सेना है उन्होंने किले की दीवार को तोड़ डाला था और दीवार टूट जाने से वो अंग्रेज सेना किले में आसानी से घुस सकती आसान हो गया था उनका। महारानी को इस संकट से बचाने के लिए झलकारी ने अपनी योजना बताई। वो क्या करती है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई महारानी थी वहाँ पर उनको वो बचाने के लिए वो एक अपनी झलकारी जो है वो अपनी एक योजना बताती हैं। झलकारी की योजना के अनुसार वह रानी का वेश बनाकर छोटी सी सेना के टुकड़ी के साथ बाहर निकलेगी ताकि दुश्मन उसे पकड़ने की कोशिश करे। झलकारी की क्या योजना थी, तो झलकारी की योजना थी कि वो रानी का वेश बनाकर यानी कि वो क्या करेगी, तो वो एक रानी का जो रानी है उनका वेश यानी कि उनके जो कपड़े और वेशभूषा है वो धारण करके एक छोटी सी टुकड़ी लेकर वो बाहर निकलेगी ताकि दुश्मन क्या करे, ताकि जो दुश्मन है वो उन्हें रानी समझकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। इसी बीच रानी दूसरे द्वार से बाहर निकल जाए। इस बीच क्या करे, जब तक वो झलकारी को पकड़ने के लिए वो पीछे जाए तब तक क्या करे, तो जब तक रानी दूसरे द्वार से यानी कि जो रानी है वो अपने बचाव के लिए वहाँ से दूसरे रास्ते से निकल जाए। शत्रु असली रानी को पहचान नहीं पाएगा। शत्रु क्या करेगा, जब उन्होंने वो वेश धारण किया होगा तो जो दुश्मन था वो रानी को पहचान नहीं पाएगा और रानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगी। और क्या होगा, तो जो रानी है वो सुरक्षित यानी कि महफूज जगह पर पहुंच जाएगी। रानी ने ऐसा ही किया। रानी क्या करती है, रानी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे झलकारी ने योजना बनाई थी वैसे ही रानी करती है और सुरक्षित जगह पर पहुँच जाती है। क्या होता है, तो वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। तो रानी वैसा ही करती है जैसे झलकारी योजना बनाती है वैसे ही रानी करती है और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। किंतु झलकारी को एक पेड़िए ने पहचान लिया। किंतु क्या होता है, तो जो झलकारी है उसको ये जो सैनिक अंग्रेजी सैनिक थे उसमें एक पेड़िए ने उसे पहचान लिया जिस कारण वह पकड़ी गई यानी कि जो पेड़िया जैसा सैनिक था वो उसे पहचान लेता है और उसके कारण वो पकड़ी जाती है। अंग्रेजों की कैद से वह रात्रि में ही निकल भागी। वो क्या करती है, वो पकड़ी तो जाती है पर जो अंग्रेजों की कैद थी वहाँ पर वो रात से ही वहाँ पर रात्रि में ही वहाँ से यानी कि रात के समय से रात जब होती है तो वो वहाँ से निकल भागती है। अगले दिन उन्होंने अंग्रेजों से भीषण युद्ध करते हुए शत्रु की सेना में हड़कंप मचा दिया। यानी अगले दिन वो क्या करती है, तो अगले दिन वो अंग्रेजी जो सेना थी उसमें भीषण युद्ध अंग्रेजी सेना के सामने भीषण का अर्थ होगा कि भयानक युद्ध करती है और अंग्रेजी जो सेना थी उनमें हड़कंप मचा देती है। अंत में तोप का गोला लगने से जय भवानी कहकर वह जमीन पर गिर गई। अंत में क्या होता है, वह अंग्रेजों से बहुत ही भयानक युद्ध करती है और सारे जो शत्रु सेना में थे वहाँ पर उसमें हड़कंप मचा दिया यानी कि घबराहट पैदा कर देती है। और अंत में उनसे क्या होता है, तो अंत में वो क्या करती है, तो अंत में वो तोप का गोला लगने से अंत में उसे उनको क्या लगता है, तो वो जो तोप आती है उनका गोला लग जाता है उन्हें और वो जय भवानी कहकर वहाँ जमीन पर गिर जाती है। ऐसी वीरांगना झलकारी को सच सच नमन। क्या कहा गया है कि ऐसी वीरांगना जो वीर और बहादुर झलकारी थी उसको हमारा सच सच नमन। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर एक बहादुर जो सैनिका थी जो वीरांगना थी झलकारी
उसका चरित्र चित्रण हमें इस पाठ के द्वारा हमें यहाँ पर दिया गया है। ये जो हमारा पाठ है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे शब्द के अर्थ। शब्द के अर्थ में हमारे कौन से शब्द आएंगे, तो उसमें आएगा अल्पायु यानी कि कम उम्र, देहांत यानी कि मृत्यु, भरपूर यानी कि पूरा, किस्से यानी कि कहानियाँ, प्रसिद्ध यानी कि मशहूर, आक्रमण हमला, दुर्ग किला, सुरक्षित महफूज ठीक ठाक, भीषण यानी कि भयानक। इसी तरह से हमारे शब्द के अर्थ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारे शब्द के अर्थ कौन कौन से हैं, तो हमारे शब्द के अर्थ है अल्पायु का अर्थ होगा कम उम्र, देहांत का अर्थ होगा मृत्यु, भरपूर का पूरा, किस्से का होगा कहानियाँ, प्रसिद्ध मशहूर, आक्रमण यानी कि हमला, दुर्ग यानी कि किला, सुरक्षित यानी कि महफूज ठीक ठाक, भीषण यानी कि भयानक। तो ये जो हमारे शब्द के अर्थ हैं वो यहाँ पर पूरे होते। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ है और उसके शब्द के अर्थ दोनों यहाँ पर पूरे होते हैं। वीरांगना चलकारी का आगे का हमारा अभ्यास, उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से। पाठ से में सबसे पहले क्या है, तो उसमें है हमारा मौखिक। मौखिक में क्या है, तो उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। क, छलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कब प्राप्त की थी, तो उसका उत्तर आएगा कि छलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा बचपन से ही प्राप्त की। क्या किया था, तो छलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा बचपन से ही प्राप्त की। जंगल में झलकारी पर किसने आक्रमण किया, तो जंगल में झलकारी पर चित्ते ने आक्रमण किया। झलकारी किसका वेश बनाकर किले से बाहर निकली, तो उसका उत्तर आएगा कि झलकारी रानी का वेश बनाकर किले से बाहर निकली। तो इसी तरह से हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि झलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कब प्राप्त की, तो झलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा बचपन से ही प्राप्त की। जंगल में झलकारी पर किसने आक्रमण किया, तो उसका उत्तर आएगा कि जंगल में झलकारी पर चित्ते ने आक्रमण किया। ग, झलकारी किसका वेश बनाकर किले से बाहर निकली, तो झलकारी रानी का वेश बनाकर किले से बाहर निकली। अब हम पढ़ेंगे लिखित। लिखित में क्या आएगा, प्रश्न नंबर एक, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो क, छलकारी किसकी सेना में सिपाही थी, तो उसका उत्तर आएगा कि छलकारी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सिपाही थी। ख, पिता ने छलकारी को किस तरह पाला, तो उसका उत्तर आएगा कि उसके जो पिता ने छलकारी को एक पुत्र की तरह पाला। क्या किया था उसके पिता ने, तो उनके पिता ने छलकारी को एक पुत्र के जैसे पाला था। छलकारी ने रानी का वेश क्यों बनाया, तो उसका उत्तर आएगा कि महारानी को संकट से बचाने के लिए छलकारी ने रानी का वेश बनाया। क्या किया था, तो महारानी को संकट से बचाने के लिए छलकारी ने रानी का वेश बनाया था। क, छलकारी की मौत कैसे हुई, तो उसका उत्तर आएगा कि छलकारी की मौत तोप का गोला लगने से हुई। तो ये जो हमारे प्रश्नों के उत्तर है वो इस तरह से हमें लिखने होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर दो, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक खाली जगह दी गई है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें एक खाली जगह दी गई है और यहाँ पर उसके दो उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो सही शब्द है उसे चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसमें से कौन सा शब्द आएगा, कि झलकारी की माता का नाम खाली जगह था, यशोदाबाई या यमुना देवी। तो इसमें से हमारा क्या आएगा, कि यमुना देवी या यशोदाबाई, तो इसमें से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा यमुना देवी, के झलकारी की माता का नाम यमुना देवी था। झलकारी बचपन से ही खाली जगह थी, कैसी थी, साहसी या डरपोक। तो वो कैसी थी, तो यहाँ पर आएगा हमारा साहसी, कि झलकारी बचपन से ही साहसी थी। एक बार जंगल में खाली जगह ने इन पर आक्रमण किया। एक बार क्या होता है जंगल में, तो उन पर आक्रमण होता है, वो किसने किया था,
चीते ने या शेर ने, यहाँ पर आएगा चीते ने। तो क्या आएगा कि एक बार जंगल में चीते ने इन पर आक्रमण किया। रानी किले के द्वार से बाहर निकल गई। रानी ने क्या किया, तो रानी किले के खाली जगह द्वार से बाहर निकल गई, मुख्य या दूसरे, यहाँ पर आएगा दूसरे के। रानी ने किले के दूसरे द्वार से बाहर निकल गई। किसी प्रकार से खाली जगह को भरना है। कि छलकारी की माता का नाम जमुना देवी था। छलकारी बचपन से ही साहसी थी। एक बार जंगल में चीते ने इन पर आक्रमण किया। रानी किले के दूसरे द्वार से बाहर निकल गई। इसी तरह से सबके सब रिक्त स्थान भरने हैं। उसके बाद आएगा जीवन मूलक परक प्रश्न। छलकारी जैसी साहसी और चतुर योद्धा के विषय में पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कक्षा में अपनी अध्यापिका को बताइए। यहाँ पर हमने जो पाठ पढ़ा उसमें जो हमारी वीरांगना और साहसी योद्धा है उनको आपको पढ़कर कैसी प्रेरणा मिलती है वो आपको मुझे बताना होगा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण से। व्याकरण में सबसे पहले क्या आएगा, तो व्याकरण में सबसे पहले आएगा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारे शब्द कौन से हैं, तो लक्ष्मीबाई, पालन पोषण, घुड़सवारी, प्रसिद्ध, आक्रमण, प्रहार, विचलित, सुरक्षित। तो हमारे श्रुत लेख के कौन से शब्द आएंगे, तो उसमें आएगा लक्ष्मीबाई, पालन पोषण, घुड़सवारी, प्रसिद्ध, आक्रमण, प्रहार, विचलित, सुरक्षित। ये जो सारे के सारे शब्द हैं वो हमें सुंदर लेखन में लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। इन शब्दों के विलोम रूप लिखिए। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम रूप लिखने हैं, यानी कि विरुद्ध के शब्द लिखने हैं। तो एक का होगा अनेक, बहुत तो कम, पास तो दूर, छोटी छोटी का होगा बड़ी, शत्रु तो मित्र, रात तो दिन। इसी प्रकार से हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके विरुद्ध के यानी कि विलोम रूप हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो विलोम रूप हमारे कौन से होंगे, तो एक का होगा अनेक, बहुत तो कम, पास तो दूर, छोटी या बड़ी, शत्रु मित्र, रात तो दिन। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये जो शब्द दिए गए हैं उसके शुद्ध रूप यानी कि उनके जो संधि में और उसमें जो हमें सही है वो हमें शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। तो फौज का होगा फौज, सैनिक तो सैनिक, भरपूर तो होगा भरपूर, दीवार तो दीवार हमारा इस तरह से आएगा दीवार, बाहर तो बाहर, कैद तो कैद। इसी तरह से हमें सारे के सारे सभी शब्दों के शुद्ध रूप हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। कि जो हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं उसमें जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। हड़कंप मचा देना का अर्थ है भाग दौड़ करना, शोर मचाना या घबराहट पैदा करना। तो इसमें से हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा तीसरा वाला जो है हड़कंप मचा देना, घबराहट पैदा करना, वो हमारा सही उत्तर आएगा। तो सही का निशान आएगा हमारा तीसरे पर, कि हड़कंप मचा देना का अर्थ है घबराहट पैदा करना। इनमें संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, इनमें से क्या है, तो इनमें से हमारा संयुक्त अक्षर वाला शब्द है सैनिक, प्रसिद्ध या विचलित। इसमें से संयुक्त अक्षर वाला कौन सा शब्द आएगा, तो जो हमारा दूसरा वाला शब्द है प्रसिद्ध वो हमारा संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। तो इनमें से संयुक्त शब्द अक्षर वाला शब्द है प्रसिद्ध। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है, इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है वो कौन सा आएगा, बहुत, चित्ता, माता। इनमें से संज्ञा शब्द हमारा कौन सा नहीं आएगा, तो वो है हमारा बहुत। इसी तरह से हमें सारे शब्द के जो सही शब्द है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो जो हमारा
पाठ 13 है उसका जो आगे का अभ्यास और व्याकरण जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।